विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा ने पत्रकारों के हित में स्वेच्छा अनुदान राशि देने की बात कही। सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा के भाजपा विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा द्वारा कोविड-19 की वजह से लगे कोरोना कर्फ्यू से परेशान गरीब असहाय को वितरण किया जा रहा है राशन। देवसर विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा द्वारा बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए विधायक निधि से स्वास्थ्य विभाग को 4 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही श्री विधायक ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी स्वास्थ्य विभाग में अच्छे इंतजाम किए गए हैं। विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा ने पत्रकारों के हित में एक कदम आगे बढ़ाते हुए विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान राशि देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पत्रकार कोविड-19 संक्रमण में भी खबर कवरेज कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से पत्रकारों की आर्थिक स्थिति खराब है। निश्चित रूप से पत्रकारों के हित में विधायक निधि से स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाएगी। कोरोना कोविड को लेकर प्रदेश नहीं पूरे समूचे हमारा भारत, सिंगरौली जिले की जहाँ तक बात करें, कोरोना दम तोड़ दिया सभी लोगों का। निश्चित ही कोरोना संकट काल में हम लगातार, चाहे क्राइसिस मीटिंग की बात हो, क्षेत्र की जनता के प्रति हम लगातार सतर्क और सचर्क लगातार काम कर रहे हैं। आज कोरोना जैसे स्थिति में जो 43% सिंगरौली में जो संक्रमण, जो कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट थे, आज हम घटकर प्रतिदिन 43% थे, 43 से 35 आए, 35 से 28 आए, 28 से 22 आए, 18 आए, फिर 15 आए, फिर 12%, आज 11%, 10% तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही स्थिति सुधार में आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान लगातार हम सभी जनप्रतिनिधियों से क्राइसिस मीटिंग में हमेशा लगातार वार्तालाप होती रहती है। जहाँ तक हमारा जानकारी है, बीच में जब हमारा 33% पे जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट था, उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे खुद ही वार्तालाप में पूछ रहे थे। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ जो क्राइसिस कोरोना पॉजिटिव रिपोर्टर जो पॉजिटिव व्यक्ति थे, जो कि हमारे यहाँ संख्या 300 हुआ करती थी, 300 हमारे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन हुआ करता था, उस स्थिति में आवंटन कम हुआ, क्योंकि आवंटन की जो लिस्टेड हमारे प्रदेश की जो सूची बनी थी, सिंगरौली का नाम नहीं था। मैंने सिंगरौली का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलकर, हमने कहा सिंगरौली का एक अलग आवंटन बनाया जाए, जिससे सिंगरौली को डायरेक्ट रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल सके। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम पूरे सिंगरौली जिले से हम सभी जिलों को दे रहे थे। कम से कम हम जानकारी के 18 जिलों को हम ऑक्सीजन, चाहे कटनी हो, रीवा हो, शहडोल हो, छतरपुर, पन्ना हो, जबलपुर तक हम ऑक्सीजन देने का काम सिंगरौली जिले से कर रहे थे। वो सिंगरौली जिले का आवंटन कम हो चुका था। मैंने उस विषय का भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े भाई साहब, ये ऑक्सीजन हम सभी जिलों की तरह, मगर सिंगरौली का आवंटन बहुत कम है। उन्होंने तत्काल बात को सुनकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी आवंटन की सूची में सिंगरौली का नाम जोड़ा और ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ा के आज हमारे सिंगरौली में जो राहत दिख रहा है, जो कोरोना का जो नेगेटिव रिपोर्ट कल मैं 70 लोगों का आया था, 69 आया था परसों की, मैं रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूँ। प्रतिदिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे गति कम हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य जो कोरोना नेगेटिव होकर जो स्वस्थ होकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। आज बहुत ही सुधार है हमारे सिंगरौली में, बहुत ही शानदार रिपोर्ट कार्ड है। हम कुछ दिनों में, माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने कहा भी था कि 5% से अगर नीचे आ जाते हैं तो सिंगरौली का लॉकडाउन खोल देंगे। निश्चित ही सिंगरौली को लॉकडाउन खुलेगा और हम चाहेंगे जिस तरह औद्योगिक कंपनियां हमारे सिंगरौली में, कंपनियों के माध्यम से कंपनी के वर्कर जो एम्प्लॉय आना जाना बाहर होता था, सदर शहर में उठा करो ना, मगर धीरे धीरे पैर पसार के आज ग्रामीण में घुस गया है। कोई व्यक्ति किसी एक परिवार को, एक को है तो उस परिवार में 12-15 लोगों को हो जा रहा है। विधायक जी, अभी कोविड काल है, कोरोना कर्फ्यू लागू है, इसमें कई ऐसे गरीब घराने के लोग हैं, तिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए आपके द्वारा किस तरह का व्यवस्था की जा रही है? हमारी चिंता हर व्यक्तित्व के नीचे है, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रति हम लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हमारी सरकार की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 3 महीने का खाद्यान्न, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने का खाद्यान्न, 5 महीने का खाद्यान्न हमारी सरकार देने का काम कर रही है। मगर मैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के संगठन के लोग हैं, हमारे खुद के,
हम अपने मंडल स्तर पर खाद्यान्न वितरण का काम किया। अभी हमने 450 पैकेट हमने हमारे मंडल वाइज सूची हमारे उस परिवार के लोगों जिनको रोजमर्रे का काम करते हैं, जो बाहर से रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी व्यवस्था को देखते हुए हमने अपने मंडल अध्यक्षों को उन्होंने कहा है कि जो जिनका कार्ड बना है, जिनका कार्ड नहीं बना है, जिनका नहीं बना है, वो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर हमको दीजिए, मैं उनको खाद्यान्न देने का काम कर रहा हूँ।